दिन ब दिन बढ़ती जा रही गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं बिजली विभाग अघोषित बिजली की कटौती कर रहा है, इससे कांशीराम कॉलोनी की आम जनता खासा परेशान है। वहीं कांशीराम कॉलोनी में अधिकांश स्ट्रीट लाइटें भी खराब हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नालियां उफान मार रही हैं, घरों के सामने कूड़े की जगह जगह ढेर लगे रहते हैं, कई कई दिन सफाई कर्मी कॉलोनी में नहीं आते हैं। इस वजह से रुपए देकर निजी कर्मचारी से सफाई करानी पड़ती है, क्योंकि गली में काफी दुर्गंध आती है। लोगों का कहना है कि एक तो गर्मी, ऊपर से गंदगी से संक्रमित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस ओर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देने वाला है। कई बार तो नौगवा नगर पंचायत में शिकायती पत्र भी दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस रही। अगर इसी तरह से मोहल्ले में गंदगी व्याप्त रही तो वो दिन दूर नहीं जब संक्रमित बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ नगर पालिका सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। हमारे यहाँ इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ की नालियाँ बिल्कुल भरी हुई चल रही हैं और टैंक भी भर चुके हैं, जिससे बहुत ज़्यादा महक आती है। आगे रोड पे सफाई करा, थोड़ी सफाई करा दी जाती है, उससे क्या होता है, नालियाँ उखड़ रही हैं, नालियों में मच्छर बैठते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ उससे फैलती हैं, जिसकी वजह से हम और हमारे कॉलोनी वाले पैसे जमा करके सफाई करवा लेते हैं, क्योंकि परेशानी हम लोगों को, बीमारी हमें होती है। इस बात का नगर पालिका वाले कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ पीछे रोड पे भी इतनी गंदगी है, कोई भी सफाई करने नहीं आते हैं, इससे हम लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ के जो नगर पालिका व्यवस्था है वो उचित नहीं है, क्योंकि उसमें ना ही सफाई है और ना ही लाइट की सही व्यवस्था है। टंकी का टैंक बनाया गया था वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें कोई मरम्मत नहीं है, पानी उसमें भरा नहीं जाता है, लाइट नहीं आती है, तो सारे लोगों को बाहर से सड़क से पानी भरना पड़ता है। आगे वाली रोड पे थोड़ी सफाई दिखावा के लिए कर दी जाती है, पीछे की नालियाँ सारी भरी हुई चल रही हैं। बीच बीच में जो गैपिंग दी हुई है हम लोगों के मकान के बीच में, उसमें भी पूरी तरीके से पूरा भरा हुआ है गंदगी। अगर हमारी पब्लिक आपस में, हम लोग बिल्डिंग वाले पैसे इकट्ठे करके सफाई करा भी लेते हैं, लेकिन वो बाद में फिर भी इतनी जनसंख्या यहाँ पर है जो कि फिर बढ़ जाती है। इसकी वजह से आए दिन यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ती हैं, घर घर में बीमारी है। कभी भी कोई भी आके सर्वे करके देख ले, हर घर में एक व्यक्ति हमेशा पड़ा हुआ मिलेगा। और पास में इतनी गंदगी है। यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से लाइटें जो लगी थी काशीराम आवास में, आधी लाइटें तो जली कुछ दिन के लिए, फिर आधी लाइटें ऑफ हो गई। अभी तक उनको मतलब वो नहीं है, पता नहीं क्या है, ना नालियों में सफाई दिखाई देती है और ना ही सड़क रोडों पे। वो पहले उसमें सीमेंटेड ईंटें लगाने का कहा था नगर पालिका की तरफ से, लेकिन वो भी अभी तक नहीं लगी है। जब बरसात होती है, आने वाले समय में बरसात ही है, बरसात होगी तो उसको क्या होगा, कीचड़ होगी सब तरफ। सड़क कम है, वो कच्चा ज़्यादा होगा, फिर शुरू मिट्टी में उसकी वजह से गंदगी पूरी उसमें ऊपर तक कॉलोनी में गंदी गंदी आई थी, कमरों तक रूम में। तो बताइए अब किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ नगर पालिका में। और लाइट जो है आती है, मतलब अभी कुछ दिन से लाइट में भी दिक्कत हो रही है, यहाँ आने में पूरे पूरे दिन नहीं आती है, कभी आती है तो फिर थोड़ी बहुत देर के लिए फिर चली जाती है। मेरे लिए मेरे गेट के आगे भी इतनी नाली भरी रहती है कि कुछ पूछो मत। साफ करने वाले नहीं आते हैं, अपने आप खुद मेरे हस्बैंड साफ करते हैं, वहाँ तक झाड़ू लगाते हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं तो कहते हैं कि ये मैंने कर दी, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बताइए क्या करना चाहिए। लाइट रात को भी नहीं आती है, इस बंद मकानों में कैसे सोया जाए, बच्चों को लेके कहाँ बैठा है, रोड पे बच्चों लेके बैठा तो कोई जगह ही लोग क्यों बैठी है। इसलिए हमें लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, लाइट की गंदगी की। सड़कों पर भी लाइट हमारे आगे नहीं है, स्ट्रीट लाइटें लगी थी वो पता नहीं, अब लगी नहीं है, उसमें पता नहीं फ्यूज हो गई या क्या हुआ, हमें नहीं पता। हाँ जी, ये पानी तो खैर आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन लाइट की और सफाई की बहुत ज़्यादा है।